भाजपा का नेता ईमानदार है। कैलाश विजयवर्गीय को धन्यवाद देना चाहिए, उन्होंने बता दिया भाजपा की नई योजना है तैयार, भाजपा ऑफिस में सभी नौजवान बनेंगे चौकीदार, मंत्री का बेटा बनेगा बीसीसीआई का सेक्रेटरी और किसान मजदूर का बेटा बनेगा भाजपा ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड। हायर हिपोक्रेसी, माना दिया गया कि कोरोना था इसीलिए भर्ती नहीं किए, हाय मोदी जी, कोरोना था तो चुनाव लड़ लिए, बंगाल में जाकर के दीदी और दीदी कर लिए, सब जगह चुनाव हो गया, उत्तर प्रदेश का चुनाव हो गया, बुलडोजर बाबा आ गए, लेकिन आर्मी की भर्ती नहीं हुई। बच्चा बहुत जोर जोर से रो रहा था, कहा मम्मी दूध पिला दो, दूध पिला दो, मम्मी उसको उठा करके अलमीरा पे बिठा दी। बच्चा मम्मी को ये नहीं कहता कि मम्मी दूध पिला दो, बच्चा चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है कि मम्मी अलमीरा से नीचे उतार दो, नीचे उतार दो। हो सकता है कि कोई भाजपा का मंत्री ये भी आकर के कह दे कि अग्निपथ योजना में शामिल होने के बाद आपका बाल नहीं गिरेगा। इस बात का हमको गर्व है कि सरकार के सामने बिना झुके कोई लड़ता है हार करके, तो उसका नाम राहुल गांधी है। नया जुमला आया है, अब नया जुमला आया है कि हम अग्निपथ लेकर के आए हैं। एक भाजपा का नेता ईमानदार है, कैलाश विजयवर्गीय को धन्यवाद देना चाहिए, कम से कम उसने इस देश के नौजवानों की शंका दूर कर दी। उन्होंने बता दिया भाजपा की नई योजना है तैयार, भाजपा ऑफिस में सभी नौजवान बनेंगे चौकीदार, यही योजना है ना। लेकिन मैं कहता हूं विजयवर्गीय जी, आपका बेटा बल्ला बहुत बढ़िया चलाता है, अफसर पे बैठ चला रहा था, उसको बीजेपी ऑफिस में क्यों नहीं सिक्योरिटी गार्ड बना देते हैं? मंत्री का बेटा बनेगा सेक्रेटरी, मंत्री का बेटा बनेगा बीसीसीआई का सेक्रेटरी और किसान मजदूर का बेटा बनेगा भाजपा ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड। हायर हिपोक्रेसी, इसी को हिपोक्रेसी कहते हैं ना, और बेईमानी किसको कहते हैं? देश की जनता को लगा कि जब मोदी जी बोल रहे हैं तो सच ही बोलेंगे, मोदी जी की हर बात को मान लिया देश के लोगों ने। मोदी जी ने कहा दीपक जलाओ तो देश ने दीपक जलाया, मोदी जी ने कहा बत्ती बुझाओ तो देश ने बत्ती बुझाया, मोदी जी ने कहा थाली बजाओ तो देश ने थाली बजाया, सब कुछ किया इस देश ने। लेकिन देश अब तक इंतजार कर रहा है कि मोदी जी जो हमको कहे थे उसमें से एक भी चीज पूरा नहीं किए हैं, और ये देश की जो परिस्थिति है इस परिस्थिति पे मुखर होकर के हमारे नेता बोलते हैं, इस बात का हमको गर्व है कि सरकार के सामने बिना झुके कोई लड़ता है हार करके, तो उसका नाम राहुल गांधी है। उसको डराना चाहते हैं, उसको झुकाना चाहते हैं। अरे आप कहते हैं मोदी जी मैं भी चौकीदार, मोदी जी के समर्थन में लोग कहते हैं मैं भी चौकीदार, ये चौकीदार नहीं है, ये देश के ठेकेदार हैं। और ये देश के ठेकेदार कैसे हैं? क्योंकि इस देश के लोगों का उनके भविष्य को ये ठेके पे कर देना चाहते हैं। ध्यान से सारा प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार जिलेबी की तरह गोल गोल कर रही है, हर चीज को सब कुछ बोल रही है, सब फायदा गिना रही है। हो सकता है कि कोई भाजपा का मंत्री ये भी आकर के कह दे कि अग्निपथ योजना में शामिल होने के बाद आपका बाल नहीं गिरेगा। हर साल 75,000 कम से कम लोग बहाल होते थे, बाद में बीजेपी ने इसको घटा करके 50,000 कर दिया, और पिछले दो साल में अब तीसरा साल है 50,000 लोगों को भी की भी भर्ती नहीं की गई। बहाना क्या दिया गया? बहाना दिया गया कि कोरोना था इसीलिए भर्ती नहीं किए। हाय मोदी जी, कोरोना था तो चुनाव लड़ लिए, बंगाल में जाकर के दीदी और दीदी कर लिए, सब जगह चुनाव हो गया, उत्तर प्रदेश का चुनाव हो गया, बुलडोजर बाबा आ गए, लेकिन आर्मी की भर्ती नहीं हुई। ये बेईमानी है कि नहीं है? रोजगार देने में कोरोना है और चुनाव लड़ने में कोरोना नहीं है। और अगर आप बैकलॉग को देखेंगे, 50,000 को अगर मान लें तब भी 1.5 लाख बहाली होनी चाहिए थी, 1.5 लाख ये बहाली नहीं कर रहे हैं, 1.5 लाख बहाली ये करेंगे कि नहीं करेंगे इसको ये नहीं बता रहे हैं।
ऊपर से ही एक नया योजना लेकर के आ गए हैं। तो एक ना छोटा सा कहानी हमको याद आ रहा है। बच्चा बहुत जोर जोर से रो रहा था, कहा मम्मी दूध पिला दो, दूध पिला दो। मम्मी उसको उठा करके अलमीरा पे बिठा दी। बच्चा मम्मी को यह नहीं कहता कि मम्मी दूध पिला दो, बच्चा चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है कि मम्मी अलमीरा से नीचे उतार दो, नीचे उतार दो। लोग मांग रहे थे हर साल 2 करोड़ नौकरी, इन्होंने हर साल 2 करोड़ नौकरी नहीं दी, ऊपर से एक नया योजना लेकर के आ गए हैं। पूरा का पूरा भाजपा के तंत्र को उसमें लगा दिए हैं कि आप बताइए कि अग्निपथ के क्या फायदे हैं। अरे सिंपल सी बात है, बिहार में कहावत है, नहाया हुआ शरीर और खाया हुआ शरीर नहीं छूटता है। जो चीज अच्छी होती है उसका फायदा बताने का जरूरत नहीं होता है, जो चीज में कोई खराबी होती है उसका खराबी छुपा करके आपके घर पे कोई सामान बेचने के लिए आता होगा तो उस सामान का सब कुछ अच्छा अच्छा ही बताता होगा। आप ट्रेन में जब जाते होंगे, बस में जाते होंगे, तो जब जूसर बेचने वाला आता है तो एक संतरा से आपको 1 गिलास जूस निकाल करके दिखाता है, और वही जूसर जब आप घर पे लेकर के जाइएगा तो आधा गिलास जूस भी आपको आपके घर में नहीं निकलेगा। ये जो बेचने की मानसिकता होती है, इस बेचने की मानसिकता के खिलाफ है ये सत्याग्रह दो लोगों के बीच में है। जावेद अख्तर ने लिखा है इस एक हमारी एक और उनकी मुल्क में है आवाजें दो, दो आवाज है। एक वो आवाज है जो इस देश को बेचना चाहता है वो देश के सरकार में बैठे हुए हैं, एक वो आवाज है जो देश को बचाना चाहता है वो सड़कों पे खड़ा, वो जंतर मंतर पे बैठा हुआ है, वो सत्याग्रह कर रहा है।